कल SHO साहब पेट्रोल कर रहे थे, उनके व्हीकल की तरफ एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी गई। उस धमाके में हमारे दो पुलिस के जवान जो हैं वो दे हैव गॉट स्प्लिंटर इंजरीज, बोथ आर स्टेबल, और शायद माइनर इंजरीज जो है SHO साहब को भी आई है। सर कोई सस्पेक्ट उसके बाद सर क्या कोई नाकेबंदी या कोई सस्पेक्ट शुरू किया गया है? वी आर डूइंग आ जाओ सर। ग्रेनेड कहाँ से थ्रो किया गया, फ्लाईओवर से या ये कुछ आइडिया? इट इज टू प्रीमेच्योर टू कमेंट ऑन दैट, बट अब वी हैव पुट आवर इन्वेस्टिगेटिव टीम्स ऑन द सुरक्षा देने में। बिल्कुल देखिए, कुछ व्यक्ति आते हैं और ग्रेनेड हमला करके निकल भी जाते हैं। पूरी तरह से सुरक्षा फेल हुई है। अमरनाथ यात्रा आने वाली है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए थे। जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे बिल्कुल खोखले हैं। पाकिस्तान सुरक्षित नहीं है इस टाइम, जिस तरह से बॉर्डर पे फायरिंग यहाँ पर। देखिए जम्मू तो अनसुरक्षित हम होने में नहीं देंगे, यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो यहाँ के लोग भी करेंगे, क्योंकि यहाँ राष्ट्रभक्त लोग रहते हैं, यहाँ ऐसी घटनाएं नहीं लोग होने देंगे। इनके जो मंसूबे हैं उनको सफल नहीं होने दिया जाएगा। नहीं लगता है कि श्रीनगर में जहाँ रमजान सीज फायर सफल हो रहा था, जम्मू को दहलाकर जो है आतंकी गतिविधियों को जम्मू में शुरू करने की कोशिश की जा रही है? देखिए ये यात्रा को डिस्टर्ब करने की एक सोची समझी साजिश के तहत की गई। उन्होंने बता दिया है कि बॉर्डर क्रॉसिंग से कुछ एलिमेंट यहाँ पर अभी भी है। उन्होंने ये दर्शाया है कि हम तुम्हारे बीच में हैं, और जो पुख्ता इंतजाम बता रही है सरकार वो पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के नहीं है।